अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम। जय भीम, आप देख रहे हैं जन की बात मीना के साथ। हमारा देश वाकई में विविधता से भरा हुआ है। एक तरफ दुनिया में COVID-19 से हाहाकार मची हुई है, दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन इसकी सफल दवा अभी तक सामने नहीं आई है। देश भर में लॉकडाउन कई दफे लग चुका है, जिसका कुछ खास फायदा नहीं दिखा। संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ इन सबको ताक पर रखते हुए हमारे नेता मंदिर के निर्माण में जुटे हैं, जबकि इस बीमारी ने ना नेता को बख्शा है ना अभिनेता को। इस महामारी ने हमें अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की असली तस्वीर दिखा दी है। जहां हमारा देश महान देश बनने की घोषणाएं करता है, उस देश में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार कितनी पानी में है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मनुष्य मीडिया सच्चाई दिखाने से कतरा रही है और राम नाम के जाप में लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई हमारे देश को मंदिर की जरूरत है? उसी मंदिर की जो महामारी के समय बंद थे, वही मंदिर जिसके पुजारी भी COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें भी इस बीमारी से बचने के लिए मंदिर की नहीं अस्पताल की ओर रुख करना पड़ा। नीति आयोग की 11 मई को एक रिपोर्ट आई थी जो कहती है कि COVID-19 से लड़ाई में संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर देश की कमजोरी है। रिपोर्ट के अनुसार उस समय देश में हर 1445 मरीजों पर एक डॉक्टर था, हर 1000 लोगों पर अस्पतालों में 7 बिस्तर थे और 130 करोड़ की आबादी के लिए केवल 40,000 वेंटिलेटर ही उपलब्ध थे। ये जानकर तो आप और चौंक जाएंगे कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 के अनुसार गंभीर संक्रामक रोगों और महामारी से लड़ने की क्षमता के पैमाने पर भारत विश्व में 57वें नंबर पर आता है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित तकरीबन 26,000 सरकारी अस्पताल हैं। सरकारी अस्पतालों में पंजीकृत नर्सों और दाइयों की संख्या लगभग 20,50,000 और मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या 7,13,000 के करीब है। यानी यदि देश की 130 करोड़ से अधिक की आबादी को सरकारी अस्पतालों की कुल संख्या से भाग दिया जाए तो प्रत्येक 1,00,000 की आबादी पर मात्र 2 अस्पताल मौजूद हैं। प्रति 610 व्यक्तियों पर मात्र 1 नर्स उपलब्ध है। प्रति 10,000 लोगों के लिए मुश्किल से 6 बिस्तर उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया पर गंभीर रूप से बीमार लोग अपनी या अपने सगे संबंधियों की तस्वीर और वीडियो साझा कर रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जा रही है। नोएडा की 8 महीने की गर्भवती महिला, जिसे दिल्ली गाजियाबाद के कई अस्पतालों के धक्के खाने पड़े, लेकिन उसे कहीं एडमिट नहीं किया गया। आखिर में महिला और उसके बच्चे दोनों की मौत हो गई थी। इसी तरह बिहार के इकलौते COVID-19 के लिए अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके एक कमरे में 4 बेड थे। 4 में से 2 पर जीवित कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे और अन्य 2 पर इस बीमारी से मृत व्यक्तियों के शव थे। 2 दिन से शव वहीं थे, लेकिन कोई देखरेख करने वाला नहीं था। उत्तर प्रदेश के एक युवक ने भी COVID-19 अस्पताल से एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उसने बताया था कि वहां ना पीने का पानी है, ना कोई स्टाफ और ना खाने के लिए कुछ है। ये तो कुछ ही मामले हैं जिन्हें मैंने यहाँ जगह दी है। इनके अलावा ऐसे कई मामले हैं जो आपके सामने भी नहीं आ पाते। ऐसे कई मामले हैं जिनमें पता भी नहीं चलता कि उनकी मौत इस गंभीर बीमारी से हो रही है। कई राज्य पहले इसलिए खुश थे क्योंकि वहां केस कम थे, लेकिन असल में तो खेल टेस्ट का था। जब टेस्ट ही नहीं होंगे तो बीमारी का क्या पता चलेगा। हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर डॉक्टर, नर्से, सफाई कर्मचारी भी सेवा करते करते इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। ना बल्कि चपेट में आए हैं, बल्कि कईयों की मौत हो गई है। लेकिन हमारी सरकार ने इनका हौसला बढ़ाने के लिए कभी ताली तो कभी थाली बजवाई।
तो इसके अलावा कई बार दिए और मोमबत्ती भी जलवाई, जबकि कई नर्सें, डॉक्टर और अन्य स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की गुहार लगाते रहे। कि ऐसी महामारी में आइसोलेट वार्ड पर ड्यूटी लगाई गई है, उसमें जो है कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो प्रिंसिपल साहब से सबने मांग करी है कि किट्स की, सैनिटाइजर की, ग्लव्स की, मास्क की ये प्रोवाइड की जाए, तब हम ड्यूटी करेंगे। आज सुबह तक देश में कोविड 19 के केस 18,56,000 को भी पार कर चुका था और इससे मरने वालों की संख्या लगभग 40,000 हो गई है। ऐसे में इतने गंभीर मुद्दों को छोड़कर हमारे देश की जनता को एक बार फिर पागल बनाया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल नहीं मंदिर की जरूरत है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने के साथ साथ जनता बेरोजगारी, भुखमरी की समस्या से भी जूझ रही है। लोगों की नौकरियां जा रही है, सैलरी कट हो रही है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इन सबके बीच लोग मानसिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। यही नहीं, आरक्षण पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। रोज दलित और ओबीसी का हक मारा जा रहा है, दलितों और मुस्लिम की लिंचिंग हो रही है, महिलाओं पर होने वाले अपराध दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट तो मंदिर पर ही मिलेगा। आज आपका पड़ोसी परेशान है तो कल आपका नंबर आना भी तय है। जनता को, सरकार को एक स्पष्ट संदेश देने की जरूरत है कि उन्हें मंदिर नहीं, इलाज चाहिए। नेता और मंत्री तो अपना इलाज 5-स्टार अस्पतालों में करवा ही रहे हैं और आपको मंदिर के भरोसे छोड़ा जा रहा है। अब आप ही तय कीजिए कि मंदिर चाहिए या इलाज। आज बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। बहुजन समाज की और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए द शूद्र के साथ और उसको द शूद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। द शूद्र के लिए मीना कोटवाल, जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।